एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल. दिस इज़ मनवीर सिंह. वी वर स्टडिंग कॉन्स्टिट्यूशन एंड इन द लास्ट वीडियो वी स्टडीड व्हाट डू यू मीन बाय कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी, द ब्रॉड डिवीज़न ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इनटू इट्स फंडामेंटल्स एंड रूल्स ऑफ गवर्नेंस. देन वी स्टडीड व्हाट इज़ द रूल ऑफ इंटरप्रिटेशन व्हाइल इंटरप्रेटिंग कॉन्स्टिट्यूशन. In this video, we will study the salient features of Indian Constitution. This would be the basic characteristics of Indian Constitution. As you all know, that Constitution of India is very unique in its content and spirit. Indian Constitution is borrowed from many constitution of the worlds, but still, its salient features make it डिस्टिंग्विशेबल फ्रॉम अदर कॉन्स्टिट्यूशंस ऑफ द कंट्री. जो इसके बेसिक करेक्टरिस्टिक्स हैं ना, वो इसे डिस्टिंग्विश करते हैं. तो द फर्स्ट फीचर इज दैट इज द लेंथीएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन इन द वर्ल्ड. तो सबसे लेंथीएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है ये वर्ल्ड में. ओरिजिनली जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था, इट हैड 395 आर्टिकल्स, 395 आर्टिकल्स विच वर डिवाइडेड इंटू 22 पार्ट्स एंड 8 शेड्यूल्स. तो 22 पार्ट्स एंड 8 शेड्यूल्स थे. एट प्रेजेंट इट हैज 25 पार्ट्स एंड 4 शेड्यूल्स हैव बीन एडेड ओवर पीरियड ऑफ टाइम. नाउ इट इज 395 आर्टिकल्स, 25 पार्ट्स एंड 12 शेड्यूल्स. अब the factors which lead to this constitution being bulky are as follows. ये constitution इतना lengthy क्यों है? सबसे बड़ा reason है geographical factor. You know, India बहुत बड़ा country है और ये बहुत अलग अलग diversity है. तो इस reason से constitution काफ़ी बड़ा बन जाता है. Other reason is जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 95 था ना, वो वही काफ़ी बल्कि था. एज यू ऑल नो कि जो मेजर पार्ट है ना कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का, वो डेराइव होता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से. थर्ड रीज़न इज़ कि सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन है सेंटर और स्टेट के लिए. जैसे कई फेडरल स्टेट्स में सेंटर का अलग कॉन्स्टिट्यूशन होता है और स्टेट का अलग कॉन्स्टिट्यूशन होता है, पर इंडिया में स्टेट और सेंटर का एक ही कॉन्स्टिट्यूशन है. इस रीज़न से भी काफ़ी बल्कि है. सो फर्स्ट करेक्टरिस्टिक इज इट्स लेंथीएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन. अब आप कहोगे ओरल या अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशंस भी होते हैं, जैसे US कॉन्स्टिट्यूशन है, ये रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है. पर कई कॉन्स्टिट्यूशन अनरिटन भी होते हैं विच आर बेस्ड ऑन कन्वेंशंस पे बेस्ड होते हैं. अब कन्वेंशन पे बेस्ड कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन है? ब्रिटेन का कॉन्स्टिट्यूशन है. ब्रिटेन का कॉन्स्टिट्यूशन रिटन नहीं है, इट इज़ बेस्ड ऑन कन्वेंशंस. सो आई होप फर्स्ट करेक्टरिस्टिक इज़ क्लियर. सेकेंड इज़ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट. अब कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है ना, ये एस्टेब्लिश करते हैं पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बोथ एट द सेंटर एंड द स्टेट. अब इस रिस्पेक्ट में ना, जो कॉन्स्टिट्यूशन के फाउंडिंग फादर्स थे, उन्होंने फॉलो किया ब्रिटिश मॉडल. रीज़न क्या था? वी वर अकस्टम्ड टू द ब्रिटिश मॉडल ऑफ गवर्नमेंट. तो इस रीज़न से उन्होंने यही फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट चूज़ किया. तो इस मॉडल को वेस्ट मिनिस्टर मॉडल भी कहते हैं, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को. अब द एसेंस ऑफ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इज़ कि जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना, गवर्नमेंट अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेजिस्लेचर को होती है. जो प्रेसिडेंट होते हैं वो सिर्फ नॉमिनल हेड ऑफ द स्टेट होते हैं, और जो रियल एग्जीक्यूटिव पावर है वो होती है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में वेस्टेड, जिनके हेड होते हैं प्राइम मिनिस्टर. तो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में जो प्रेसिडेंट होते हैं ना, वो सिर्फ नॉमिनल हेड होते हैं, और रियल एग्जीक्यूटिव पावर वेस्टेड होती है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में, जिनके हेड प्राइम मिनिस्टर होते हैं. ये जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है ना, ये कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल होती है लोकसभा को. ये PT में काफ़ी बार पूछा जाता है, द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू द लोकसभा, लोअर हाउस को.
और जो मेंबर्स हैं ना लोकसभा के, ये डायरेक्टली इलेक्ट किए जाते हैं लोगों द्वारा, बाय द पीपल। इसलिए इस गवर्नमेंट को रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट भी कहा जाता है। अब जो दूसरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, जैसे अमेरिका अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन फॉलो करता है या एस्टेब्लिश करता है एक प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो कि बेस्ड है सेपरेशन ऑफ पावर्स में, तो वहाँ पे जो प्रेसिडेंट है ना वो रियल एग्जीक्यूटिव होते हैं और प्रेसिडेंट डायरेक्टली इलेक्ट किए जाते हैं लोगों द्वारा, और जो सारी एग्जीक्यूटिव पावर्स हैं उन्हीं में वेस्ट करती हैं। जो प्रेसिडेंट है ना वो रिस्पॉन्सिबल नहीं होते लोअर हाउस को, वहाँ लोअर हाउस कांग्रेस होती है तो वहाँ वो रिस्पॉन्सिबल नहीं होते। जो उनके कैबिनेट के मेंबर्स भी हैं ना, वो ज़रूरी नहीं है वो लेजिस्लेचर के मेंबर हों, वो डायरेक्टली प्रेसिडेंट अपॉइंट कर सकते हैं, और वो जो कैबिनेट के मेंबर है ना वो रिस्पॉन्सिबल सिर्फ प्रेसिडेंट को होते हैं और लोगों को नहीं होते। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में तो जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं वो कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल होते हैं लोकसभा को। तो द टू टाइप्स ऑफ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इज पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, जहाँ पे कि प्रेसिडेंट सिर्फ नॉमिनल हेड होते हैं और रियल एग्जीक्यूटिव पावर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में होती है। प्रेसिडेंट्स ओनली एक्ट्स ऑन द एड एंड एडवाइज ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। और ऑन द अदर हैंड जो प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होते हैं उसमें जो एग्जीक्यूटिव पावर्स है ना वो डायरेक्टली प्रेसिडेंट के पास होती है। सो आर थर्ड करेक्टरिस्टिक इज कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज़ अ यूनिक ब्लेंड ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी एंड रिजिडिटी। अब इसको अमेंडमेंट के प्रस्पेक्टिव से देखा जाएगा। अब रिजिड आप किसे कहोगे? रिजिड का मतलब होता है इट रिक्वायर्स अ स्पेशल मेथड ऑफ अमेंडमेंट। अब कॉन्स्टिट्यूशन का कोई भी प्रोविजन आपने अमेंड करना है, रिजिड उस कॉन्स्टिट्यूशन को कहा जाएगा जिसके लिए स्पेशल मेथड ऑफ अमेंडमेंट। स्पेशल ऑफ मेथड ऑफ अमेंडमेंट कैसे होते हैं, जैसे 2/3 मेजॉरिटी चाहिए, रेटिफिकेशन चाहिए, तो स्पेशल मेथड ऑफ अमेंडमेंट। और फ्लेक्सिबल क्या होता है? फ्लेक्सिबल होता है एनी ऑफ द प्रोविजंस कैन बी अमेंडेड बाय ऑर्डिनरी लेजिस्लेचर प्रोसेस। कोई भी ऑर्डिनरी लेजिस्लेटिव प्रोसेस से अगर आप कोई भी प्रोविजन अमेंड कर सकते हैं तो उस कॉन्स्टिट्यूशन को कहेंगे अपने फ्लेक्सिबल। अब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है दोनों का ब्लेंड, और काफ़ी अच्छा ब्लेंड। अब देखते हैं कैसे है। जो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है ना इसको जनरली रिजिड कहा जाता है। रीज़न, ये रिटन है और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी, बट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सफिशिएंटली फ्लेक्सिबल है। अब जो प्रोसीजर फॉर अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है ना वो तीन तरीके से हो सकता है। तो फर्स्ट वे इज स्पेशल मेजॉरिटी। अब स्पेशल मेजॉरिटी में क्या होगा, सम प्रोविजंस कैन बी अमेंडेड बाय स्पेशल मेजॉरिटी ऑफ द पार्लियामेंट। अब स्पेशल मेजॉरिटी इज 2/3 ऑफ द मेजॉरिटी ऑफ द मेंबर्स हु आर प्रेजेंट एंड वोटिंग। 2/3 मेजॉरिटी के साथ पास होगा उसे स्पेशल मेजॉरिटी के साथ। सेकेंड टाइप ऑफ अमेंडमेंट इज जहाँ पे स्पेशल मेजॉरिटी के साथ रेटिफिकेशन बाय हाफ ऑफ द स्टेट्स भी होगा। रेटिफिकेशन, सम अदर प्रोविजंस कैन बी अमेंडेड बाय स्पेशल मेजॉरिटी ऑफ द पार्लियामेंट फॉलोड बाय रेटिफिकेशन बाय हाफ ऑफ द टोटल स्टेट्स। तो कई अमेंडमेंट प्रोसीजर्स में रेटिफिकेशन भी चाहिए होती है। एंड द थर्ड वन इज सिंपल मेजॉरिटी के साथ हो सकता है। सिंपल मेजॉरिटी, सम प्रोविजंस कैन बी अमेंडेड बाय सिंपल मेजॉरिटी ऑफ द पार्लियामेंट। दीज अमेंडमेंट्स डू नॉट कम अंडर आर्टिकल 368। फॉर एग्जाम्पल, अ चेंज इन द नेम एंड टेरिटरी ऑफ द स्टेट कैन बी मेड थ्रू ऑर्डिनरी लॉ अनेक्टेड बाई टू हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट। अब किसी स्टेट की बाउंड्री चेंज करनी है, टेरिटरी चेंज करनी है, नेम चेंज करनी है, तो ये ऑर्डिनरी लॉ से किया जा सकता है जो कि बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट पास करेंगे। स्पेशल मेजॉरिटी नहीं चाहिए जहाँ पे 2/3 मेजॉरिटी ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग है, या रेटिफिकेशन भी नहीं चाहिए। तो दीज आर द थ्री वेज जहाँ जैसे कि कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड हो सकता है। अब जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है ना उसके कई प्रोविजंस के लिए स्पेशल मेजॉरिटी चाहिए, कई प्रोविजंस के लिए रेटिफिकेशन भी चाहिए, और कई प्रोविजंस सिर्फ सिंपल मेजॉरिटी से अमेंड किए जा सकते हैं। इसलिए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को कहा जाता है इट इज़ अ यूनिक ब्लेंड ऑफ
रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी। होप आपको समझ आ रहा है। लेट्स मूव टू पॉइंट फोर, मतलब फोर्थ करेक्टरिस्टिक, दैट इज़ यूनिवर्सल एडेंट फ्रेंचाइज। अब जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है ना, वो प्रोवाइड करता है यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो एक्ट था ना 1935 का, तो ये 14% ऑफ पॉपुलेशन को ही राइट टू वोट प्रोवाइड करता था। बहुत रिस्ट्रिक्शंस थे, मतलब ये रिस्ट्रिक्टेड फ्रेंचाइज प्रोवाइड करता था। एवरी सिटीजन वॉज नॉट अलाउड टू वोट। पर वेन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया 1950 वॉज कमेंस्ड, तो एवरी सिटीजन हु इज़ नॉट लेस देन एज ऑफ 18 हैड राइट टू वोट। जब 1950 में ये कॉन्स्टिट्यूशन कमेंस हुआ था, देन द एज वॉज 28, विच वॉज रिड्यूस टू 18 बाई 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। तो एनी सिटीजन हु इज़ नॉट लेस देन, यहाँ पे होना चाहिए नॉट, एनी सिटीजन नॉट लेस देन 18 ईयर्स ऑफ एज हैज़ अ राइट टू वोट। अब 61st अमेंडमेंट ने क्या किया, ये जो एज है ना 21 से 18 कर दी। आर्टिकल 226 कहता है एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया नॉट लेस देन एज ऑफ 18 ईयर्स शैल बी एंटाइटल्ड टू बी रजिस्टर्ड एज अ वोटर। तो आर्टिकल 226 गिव्स प्रोवाइड्स यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। अब कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं है, कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं है ऑन द बेस ऑफ आप कौन सी कास्ट से हो, कौन सी रेस से हो, रिलीजन, सेक्स, लिटरेसी, वेल्थ एंड सो ऑन, कोई भी नहीं। इफ़ यू आर अ सिटीजन अबव द एज ऑफ 18 यू हैव अ राइट टू वोट अनलेस यू आर डिसक्वालिफाइड। वो 326 में कुछ एक्सेप्शंस दिए गए हैं। नाउ फिफ्थ करेक्टरिस्टिक इज दैट द फंडामेंटल राइट्स वर इनकॉर्पोरेटेड इन पार्ट थ्री ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अब फंडामेंटल राइट्स वर बेसिकली टेकन फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स। अब दीज राइट्स आर प्रोहिबिशन अगेंस्ट दैट स्टेट, ये प्रोहिबिशंस हैं स्टेट के अगेंस्ट। स्टेट कोई भी ऐसा लॉ नहीं बना सकती विच टेक्स अवे और अब्रिजेज द राइट्स ऑफ द सिटीजन्स, जो कि गारंटीड है पार्ट थ्री में। पार्ट थ्री इज फंडामेंटल राइट्स। कोई भी लॉ और एग्जीक्यूटिव एक्शन जो सिटीजन्स को डिप्राइव करता है उसकी फ्रीडम से कैन बी चैलेंज इन द सुप्रीम कोर्ट और द हाई कोर्ट। अब आप ये एक अप्रिशिएट कीजिए, कोई भी फंडामेंटल मेयर डिक्लेरेशन फंडामेंटल का राइट्स का यूजफुल नहीं है अनलेस प्रॉपर मैकेनिज्म फॉर अवेलिंग द रेमेडी इज प्रोवाइडेड। सो रेमेडी इज़ प्रोवाइडेड इन द फॉर्म्स ऑफ रिट, हीबियस कॉर्पस, मैंडमस, प्रोबेशंस। जब भी आपके राइट्स वॉयलेट होते हैं यू कैन डायरेक्टली फाइल टू द सुप्रीम कोर्ट और द हाई कोर्ट। अब एक बात और समझिए, ये जो फंडामेंटल राइट्स हैं ना, ये एब्सोल्यूट राइट्स नहीं है, दीज आर सब्जेक्ट टू सर्टेन कंडीशंस। सो आर कॉन्स्टिट्यूशन स्ट्राइक्स अ बैलेंस बिटवीन इंडिविजुअल लिबर्टी एंड सोशल इंटरेस्ट, तो ये बैलेंस करता है। सो मेयर इनकॉर्पोरेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स को डाल देने से कुछ नहीं होगा अनटिल अनलेस प्रॉपर प्रोसीजर एंड रेमेडी फॉर फाइलिंग अ रिट और अ सूट इज अवेलेबल। इट इज मेड अवेलेबल इन द फॉर्म ऑफ यू कैन फाइल अ रिट टू द सुप्रीम कोर्ट। द सिक्स्थ बिग कैरेक्टरिस्टिक इज DPSP, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। अब ये क्या होते हैं, ये पार्ट फोर है ना जो कॉन्स्टिट्यूशन का, वहाँ पे ये इनकॉर्पोरेटेड है। दीज बेसिकली सेट आउट द एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स विच आर टू बी टेकन केयर ऑफ वाइल द गवर्नमेंट इज फ्रेमिंग इट्स पॉलिसीज। जब भी गवर्नमेंट कुछ पॉलिसी बनाएगी तो उसको DPSP को ध्यान में रखना पड़ेगा। अब जो फंडामेंटल राइट्स हैं दीज आर एनफोर्सेबल इन द कोर्ट ऑफ लॉ। आपके कोई फंडामेंटल राइट्स वॉयलेट हुए, आप कोर्ट में केस कर सकते हैं। पर जो DPSP है ना, दीज आर नॉन एनफोर्सेबल। आपकी कोई वॉयलेशन होती है तो यू कैनॉट फाइल अ केस इन द कोर्ट ऑफ लॉ।
दीज आर जस्ट सोशियो और इकोनॉमिक राइट्स हैं विच आर इनकॉर्पोरेटेड. अब फॉर एग्जाम्पल के लिए जैसे आर्टिकल 39 कहता है सिटीजन शैल हैव अ राइट टू एडिक्वेट मीन्स ऑफ लाइवलीहुड. अब किसी के पास एडिक्वेट मीन्स ऑफ लाइवलीहुड नहीं है फिर भी वो केस नहीं कर सकता. बट वॉट आर दीज डी पी एस पीज, कुछ एग्जाम्पल्स हैं. इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, आपने बराबर काम किया आपको बराबर पे मिले इवन फॉर बोथ वुमेन एंड मैन. फ्री लीगल एड टू एवरी सिटीजन, जस्ट एंड ह्यूमन कंडीशंस ऑफ वर्क, वर्क की कंडीशंस जस्ट और ह्यूमेन होनी चाहिए. एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन अंटिल द एज ऑफ 6 ईयर्स. स्टेट शैल रेज लेवल ऑफ न्यूट्रिशन एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग. सो जो जब भी गवर्नमेंट पॉलिसीज फ्रेम करेगी तो उनका एम होना चाहिए ये डी पी एस पीज को फुलफिल किया जाए. अब जो रिसेंट ईयर्स है ना, जो डी पी एस पीज हैं इनका बहुत रेलेवेंस और इम्पॉर्टेंस बढ़ गई है. नॉट स्टेट के लिए ही नहीं, लेजिस्लेचर के लिए नहीं, कोर्ट्स में भी. कोर्ट्स भी आजकल डी पी एस पीज को काफ़ी रेलेवेंस देती हैं. ये पार्ट 4 में प्रोवाइडेड है. सेवंथ कैरेक्टरिस्टिक इज फंडामेंटल राइट्स. जो फंडामेंटल राइट्स थे ना वो कॉन्स्टिट्यूशन में सिंस इंसेप्शन नहीं थे. ये 42nd अमेंडमेंट द्वारा ऐड किए गए थे पार्ट 4A में. ओरिजिनली 10 फंडामेंटल ड्यूटीज प्रोवाइड की गई थी, देन 11th ड्यूटी वॉज एडेड. एज यू नो कि देयर कैनॉट बी एनी राइट विदाउट अ कॉरस्पॉन्डिंग ड्यूटी एंड सिटीजन्स ऑल्सो हैव अ ड्यूटी विच दे नीड टू फुलफिल टूवर्ड्स द स्टेट. इसलिए फंडामेंटल राइट्स इनकॉर्पोरेट किए गए. लेट्स मूव टू 8th. 8th इज इंडिपेंडेंट जुडिशरी. अब स्ट्रॉन्ग और इंडिपेंडेंट जुडिशरी क्यों जरूरी है? फॉर अपहोल्डिंग द रूल ऑफ लॉ, नोबडी इज अबव लॉ, एंड फॉर सेफ गार्डिंग डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स. फॉर अपहोल्डिंग रूल ऑफ लॉ एंड सेफ गार्डिंग डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स को सेफ गार्ड करने के लिए. अब कॉन्स्टिट्यूशन किससे प्रोटेक्ट कर, इंडिपेंडेंट जुडिशरी किस चीज़ से प्रोटेक्ट करती है? जुडिशरी बेसिकली प्रोटेक्ट करती है अनकॉन्स्टिट्यूशनल लॉ ऑफ लेजिस्लेचर, अनकॉन्स्टिट्यूशनल लॉज से प्रोवाइड करती है, और आर्बिट्रेरी एक्ट्स ऑफ द एग्जीक्यूटिव. अब इंडिपेंडेंट जुडिशरी क्यों इम्पॉर्टेंट है? टू प्रिजर्व एंड अपहोल्ड द रूल ऑफ लॉ, दैट नोबडी इज अबव लॉ. अब जैसे फंडामेंटल राइट्स इनकॉर्पोरेट तो हो गए हैं, इफ दे आर नॉट एनफोर्स्ड, दे कैनॉट बी एनफोर्स्ड इन अ कोर्ट ऑफ लॉ, तो वो यूजलेस हो जाएंगे. इसलिए इंडिपेंडेंट जुडिशरी की जरूरी है. मेयर इनकॉर्पोरेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स विल नॉट सर्व द पर्पस अनलेस द रेमेडी फॉर इट्स एनफोर्समेंट इज प्रोवाइडेड. फॉर दिस पर्पस इंडिपेंडेंट एंड इम्पार्शियल जुडिशरी विद द पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू हैज बीन एस्टेब्लिश्ड. अब जुडिशरी इज द कस्टोडियन ऑफ द राइट्स ऑफ द सिटीजन. अब कोई भी एनक्रोचमेंट किया स्टेट ने आपके राइट्स पे, तो सुप्रीम कोर्ट इन केस ऑफ फंडामेंटल राइट्स, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट उस लॉ को, उस एक्शन को अनकॉन्स्टिट्यूशनल एंड वॉइड डिक्लेयर कर सकते हैं. फॉर दैट रीज़न इंडिपेंडेंट जुडिशरी इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट. 9th वन इज कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फॉर अ फेडरल स्ट्रक्चर विथ अ स्ट्रॉन्ग सेंट्रलाइजिंग टेंडेंसी. द मोस्ट रिमार्केबल फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन दैट इट इज़ बींग अ फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन, बट इट एक्वायर्स यूनिटरी करेक्टर ड्यूरिंग टाइम ऑफ एमरजेंसी. द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फॉर डिविजन ऑफ पावर्स, सेपरेशन ऑफ पावर्स. आर्टिकल 246 रेड विद 7 शेड्यूल डीमार्केट्स एंड द सब्जेक्ट्स ऑफ स्टेट एंड सेंटर. बट जब भी एमरजेंसी प्रोक्लेम होती है ना, जो
जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर है, जो सेंटर और बीच में, उसमें काफ़ी चेंज हो जाता है। क्या चेंज हो जाता है? तो जो यूनियन पार्लियामेंट है ना, उसके पास पावर आ जा सकती है, वो किसी भी स्टेट सब्जेक्ट पे लेजिस्लेट कर ले ड्यूरिंग एमरजेंसी, या वो डायरेक्शंस पास कर सकती है स्टेट को भी, दैट यू शुड यूज़ योर एग्जीक्यूटिव पावर्स इन सच अ वे, इन सच अ डायरेक्शंस। तो इट इज़ अ फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन, बट इन केस ऑफ जब भी एमरजेंसी होती है, इट हैज़ यूनिटरी फीचर्स। यूनिटरी फीचर्स कैसे? भी यूनियन पार्लियामेंट स्टेट के किसी सब्जेक्ट पे भी लेजिस्लेट कर सकती है, उसे डायरेक्शंस पास कर सकती है भी हाउ यू शुड यूज़ योर एग्जीक्यूटिव पावर्स, लेजिस्लेट ऑन एनी स्टेट सब्जेक्ट, गिव डायरेक्शन। सो इस रीज़न से यूनिटरी फीचर होता है। 10th वन इज सेकुलर स्टेट। नाउ इंडिया हैज़ बीन डिक्लेयर्ड अ सेकुलर स्टेट। क्यों सेकुलर है? बिकॉज ऑफ इट्स पॉलिसी ऑफ नॉन डिस्क्रिमिनेशन टुवर्ड्स एनी रिलीजन। इंडिया विल नॉट डिस्क्रिमिनेट एनी पर्सन ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन। ऑल रिलीजन्स आर हेल्ड इक्वली बाई द स्टेट एंड देर इज नो स्टेट रिलीजन। एक तो क्या होगा, सेकुलर क्यों है इंडिया? पॉलिसी ऑफ नॉन डिस्क्रिमिनेशन, कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन। नहीं नहीं, पॉलिसी ऑफ नॉन डिस्क्रिमिनेशन टुवर्ड्स एनी रिलीजन, किसी भी रिलीजन का के आधार पर कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, एंड नो स्टेट रिलीजन। इंडिया का कोई भी स्टेट रिलीजन नहीं है, इट ट्रीट्स ऑल इट्स रिलीजन इक्वली। अब जो प्रीएम्बल है ना, इट बेसिकली डिक्लेयर्स दैट द पीपल ऑफ इंडिया ने रिजॉल्व किया है टू सिक्योर ऑल इट्स सिटीजन्स लिबर्टी। किस चीज़ की लिबर्टी? लिबर्टी ऑफ बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप। एंड आर्टिकल जो 25-28 है ना, ये कॉन्सेप्ट ऑफ सेकुलरिज्म को शेप देते हैं। आर्टिकल सेकुलरिज्म अपने डिटेल में आने वाली क्लासेस में करेंगे। तो आर्टिकल 25-30 कह सकते हो आप, जो कि शेप देते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ सेकुलरिज्म इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। नाउ 11th फीचर इज सिंगल सिटीजनशिप। द एम ऑफ बिल्डिंग एन यूनाइटेड नेशन, द एम ऑफ बिल्डिंग अ यूनाइटेड नेशन बाय ऑफ यूनाइटेड नेशन ऑफ आर फाउंडिंग फादर्स प्रोवाइडेड फॉर सिंगल सिटीजनशिप डिस्पाइट वी बीइंग अ फेडरल स्ट्रक्चर एंड डुअल पॉलिटी एट द सेंटर एंड द स्टेट। अब फेडरल स्टेट हैं जैसे अमेरिका, स्विट्जरलैंड, देयर इज डुअल सिटीजनशिप। वन सिटीजनशिप इज ऑफ द नेशन एंड अदर सिटीजनशिप वुड बी अ स्टेट सिटीजनशिप। जैसे कि अमेरिका में यू वुड बी सिटीजन ऑफ अमेरिका एज वेल यू वुड बी अ सिटीजन ऑफ स्टेट, जैसे एनी स्टेट, टेक्सास, कैलिफोर्निया। तो आपकी स्टेट की भी सिटीजनशिप होगी और आपकी सेंटर की भी सिटीजन, मतलब सिटीजनशिप ऑफ नेशन भी होगी। बट ऑन द अदर हैंड there is only one citizenship in India, that is the citizenship of India. कोई भी स्टेट citizenship नहीं होगी। Every Indian citizenship same right of citizenship enjoy करता है। It does not matter आप कौन सी स्टेट में रहते हैं। अमेरिका है तो अमेरिका में आपके पास स्टेट की भी citizenship होगी और नेशन की भी होगी। इंडिया में देर इज़ नो स्टेट सिटीजनशिप, आपकी सिर्फ सिटीजनशिप नेशन की होगी, सिटीजनशिप ऑफ इंडिया ही होगी। इन फेडरल स्टेट्स लाइक USA एंड स्विट्जरलैंड देर इज़ ड्यूअल सिटीजनशिप, सिटीजनशिप ऑफ नेशन एंड स्टेट सिटीजनशिप। ऑन द अदर हैंड देर इज़ वन सिटीजनशिप इन इंडिया, द सिटीजनशिप ऑफ इंडिया। अब जो पार्ट टू है ना कॉन्स्टिट्यूशन का, इट डिस्क्राइब्स द क्लास ऑफ पर्सन हु वुड बी डीम्ड सिटीजन्स। जो कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट टू है ना, ये डिस्क्राइब करता है ये लोग सिटीजनशिप सिटीजन्स माने जाएंगे
ऑन द कमेंसमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन. अब कॉन्स्टिट्यूशन कब कमेंस हुआ था? 26 जनवरी 1950. एंड पार्लियामेंट ने एक लॉ भी इनेक्ट किया है, लॉ का नाम है इंडियन सिटीजनशिप एक्ट 1955, जो प्रोवाइड करता है एक्विजिशन. आप इंडियन सिटीजनशिप कैसे एक्वायर कर सकते हो और कब कब वो टर्मिनेट होगी. इट अप्लाइज टू सब्सिक्वेंट टू द कमेंसमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन. एंड द लास्ट करेक्टरिस्टिक इज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज फ्रेम्ड बाय द पीपल ऑफ इंडिया. अब जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है ना, इट हैज़ बीन फ्रेम्ड बाय द रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द पीपल ऑफ इंडिया. कैसे? थ्रू अ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ड्यूरिंग 1946 to 1949. जो ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी ना, इट वॉज इलेक्टेड इनडायरेक्टली बाय द प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबलीज. तो इसलिए कहा जाता है इट वॉज फ्रेम्ड बाय द पीपल ऑफ इंडिया, दो इनडायरेक्टली. सो दीज वर द सेलियंट फीचर और करेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. इन नेक्स्ट लेक्चर वी विल बी स्टार्टिंग विद आर्टिकल 368 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, दैट इज पावर ऑफ द पार्लियामेंट टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन. क्लासेस में पढ़ रहे हैं तो प्लीज़ डू शेयर विद योर फ्रेंड्स, ये काफ़ी हेल्प होगा. सभी के साथ प्लीज़ शेयर कीजिए. एंड आई विल कवर द कॉन्स्टिट्यूशन इन ग्रेट डिटेल. थैंक यू फॉर वॉचिंग.